हम पहले मोटरसाइकिल चलाते थे, हमारे पैर में एक बड़ी जोर की ठेस लग गई। श्रृंगार के लिए गहने पहनाए जाते हैं, लेकिन एक दिन हमारे गुरु महाराज ने हमने आज्ञा करी तो सवेरे सवेरे सभी लोग अपनी अपनी गायों को स्नान कराते हैं। ये जानते हैं महाराज जी से गोवर्धन पर महाराज जी का भारत वर्ष को क्या संदेश है और क्या गोवर्धन के महत्व है। महाराज जी गोवर्धन पर आपका भारत वर्ष के लिए क्या संदेश है और क्या अनुभव रहा है आपका गोवर्धन की पूजा को लेकर के, गोवर्धन के इस दिव्य पवित्र त्योहार को लेकर के। गोवर्धन भगवान की गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। ये गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण ने कराई, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहले इंद्र की पूजा होती थी, ये उन्होंने जो है 7 कोस के गोवर्धन को उठाया है और उठाने के पहले उन्होंने पूजा कराई है, सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया है, नंद बाबा को समझाया है उन्होंने कि इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन गायों को चारा देता है, जल बरसता है, लेकिन जब गोवर्धन पूजा कराई इंद्र रुष्ट हो गए, इंद्र ने प्रकोप किया तो उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया। ये गोवर्धन पूजा का विधान घर घर में है। ये जब दीपावली की अमावस्या के सवेरे परिवार को जो होता है गोवर्धन पूजा, उसमें जो है गोवर्धन पूजा में कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं। ये व्यंजन के साथ साथ में ये कोई गोवर्धन पर आपका कोई किस्सा रहा है, कोई याद रहा है, क्या कुछ अतीत में आपके साथ कुछ घटित हुआ है गोवर्धन के? आप तो इतना गौ सेवा करते रहते हैं। गोवर्धन में क्या गायों की पूजा होती है, गायों की पूजा होती है गोवर्धन में, तो सवेरे सवेरे सभी लोग अपनी अपनी गायों को स्नान कराते हैं। स्नान के बाद उनको बढ़िया ढंग से उन्हें उनके सींग रगते हैं, उनका पूरा शरीर रगते हैं, अच्छे अच्छे उनके श्रृंगार के लिए गहने पहनाए जाते हैं। कोई घंटे घंटा पहनाता है, कोई मोरी पहनाता है, कोई सींगों को रंग करके सींगों के कपड़ा बांधा जाता है। ये गोवर्धन के लिए होता है। गो पूजा का बड़ा महत्व है हमारे। पहले हम आपको एक बात घटना बताते हैं। हमारे जो है पैर में, हम पहले मोटरसाइकिल चलाते थे, हमारे पैर में एक बड़ी जोर की ठेस लग गई। ठेस ऐसी लगी थी कि हम जब जगते थे सवेरे ही तो पैर आगे नहीं रख पाते थे, बड़ा दर्द होता था। हमारे गुरु महाराज ने हमसे कहा सिंगताव लगवाओ, तो दवाई भी ली और सिंगताव भी लगवाए। सिंगताव का मतलब होता है एक ईंट को गर्म करते हैं और गर्म करके उस पर जो एक नीम का झोंड़ा रखते हैं, तो मठा लेकर के पैर पे डालते हैं, उसके झोंड़ा के ऊपर पैर रख लेते हैं, फिर एक नीम का झोंड़ा, फिर उसको पैर पे मठा डालते हैं, वो धुना लगता है, उसे सिंगताव कहते हैं। उससे आपको लाभ मिला था? उससे जो है कई प्रकार की ट्रेनर ठीक होती है, लेकिन हमारी ठीक नहीं हुई थी। बहुत प्रयास किया वो ठीक नहीं हुई, तो हम लोग बड़े निराश हो गए। लेकिन एक दिन हमारे गुरु महाराज ने हमने आज्ञा करी, जब गोवर्धन की पूजा के पहले गायें रंगी गई थी, गोवर्धन की पूजा के पहले गायें रंगी गई थी, तो हमारे गुरु महाराज ने आज्ञा की एक गाय को आप रंग दें। हमारे राम ने कहा महाराज जी रंगने वाले बहुत बाल हैं, हम पूज देंगे। नहीं, हमारी आज्ञा एक गाय रंग दो। हमने एक गाय को रंगा, सिंह नीचे किए, पशु का गायों का काम होता ही है। अगर गाय वैसे माता है जो है, गौ माँ है, पूरे भारतवर्ष की माँ है, बड़ा महत्व सेवा का। देवता निवास करते हैं गाय के अंदर, चित्रगढ़ देवता गाय के अंदर जब
लक्ष्मी और सरस्वती रह गई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, हम पीछे रह गए। लेकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को गोमूत्र में स्थान दिया और गोमाया में लक्ष्मी को स्थान दिया, तो सारे देवताओं से भरी है। गाय को एक रोटी निकाली जाती है, एक रोटी निकल जाती है तो देवता भोग लगता है, गाय का बड़ा महत्व है। आपका क्या संदेश रहेगा भारतवर्ष को? क्या हुआ कि जब वो गाय नीचे को हमने सिंह किए, उसने सिंह ऑटो ऊपर किए तो हमारे चेहरे पे चोट आ गई, चेहरा पे चोट आई, तो हमने गुरु महाराज से कहा अच्छी गाय रंगवाई आपने, वो हंसने लगे बड़ी जोर से, हंसने लगे, हमको फिर एक लड़का ले गया हमको, तो गोली दिलवा के ले आया, गोली हमने खाई, चेहरा हमारा ठीक हुआ, साथ साथ ये दर्द भी ठीक हुई। साथ साथ आज तक 25 वर्ष हो गए, 27-28 वर्ष हो गए, आज तक पता नहीं कहाँ चला गया दर्द। ये चमत्कारी गाय गाय की सींग थी और गुरु गुरु आज्ञा की। तो आपको क्या लगता है भारतवर्ष पर क्या संदेश आपकी तरफ से प्रसारित किया जा रहा है, प्रसिद्ध किया जा रहा है इस गोवर्धन की पूजा पर? गोवर्धन की सर्वश्रेष्ठ पूजा है, पूरे भारतवासियों को पूजा करना चाहिए, और गाय की पूजा गो पूजा सब भारतवासियों को करना चाहिए। गो माता है, गो का दूध जो है अमृत है, गो के कुछ भगवान के निहारे जाते थे, गो सिंह में गंगा का निवास है, सारे शरीर में देवता भरे पड़े हैं। ऐसी गाय माता की अब हिलना हो रही है, हम आग्रह करते हैं भारतवासियों से ऐसी गाय की हिलना मत करो, घर घर में उसकी पूजा करो। और जिस घर में हमारे दंदरगुआ में पहले एक गाय थी, एक गाय दंदरगुआ में थी, फिर दूसरी गाय आई तो हमारे गुरु जी बोले पटिया लगाए थे, हमने नहीं नहीं ये समझ से निकली है, ये गाय जो है 14 रत्नों में है, उसकी पूजा करेंगे। हमारे राम ने पूजा की तो उसका जी आप में दिख रहा है, जैसे जैसे गाय बनी है वैसे वैसे मंदिर बना है। मंदिर हुआ करता था, आज इतना विशाल मंदिर है, पूरा गौ की कृपा है, गौ की कृपा है और गुरु की कृपा है, और गुरु के नाम से विद्यालय खुला है, विद्यालय संस्कृत विद्यालय की कृपा है, और गौ की कृपा है, गुरु की कृपा है। तो यहाँ जो है ये इसी प्रकार से हम आप विशेष रूप से विश्वास दिलाते हैं, घर में अगर गाय रखोगे तब वो गाय आपका घर को दिन दिन वृद्धि करेगी, समृद्धि करेगी, सुख रखेगी घर में, शांति होगी घर में। गाय रखने का महत्व है, एक रोटी निकाली जाती गाय के लिए, अब कहाँ निकलती है, गाय को रोटी निकलती है तो सब देवता को बोला जाता है, वही प्रसाद को पाते वही भक्ति है, वही प्रसाद भक्ति में होता है। जैसे प्रसाद को पाएंगे तो भोग है, और गाय का भोग लगा के पाएंगे तो भक्ति है। पा रहे थे गुरुदेव ने कितना संक्षिप्त में बताया गोवर्धन का क्या महत्व है, और गोवर्धन पर उनके द्वारा किस प्रकार से एक गौ को रंगा गया, उनको चोट आई, और चोट के बाद में उनका जो पुराना दर्द था जो बरसों बरस से उनको घेरे हुआ था वो सही हो गया। आप भी लगातार ददरुआ 1008 चैनल से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और जानते रहें कि छोटे छोटे त्योहारों का कितना बड़ा महत्व है, घर में गाय का कितना बड़ा महत्व है, ये धाम गौ कृपा के लिए कितना जाना जाता है, और गौ से कितनी वृद्धि समृद्धि और साक्षात्कार। धन्यवाद।